बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। आज के समय में इतना रश कहीं भी नहीं है जितना डॉक्टर्स के पास है। डॉक्टर्स के पास चले जाओ घंटा दो घंटे तो आपको वेट ही करना पड़ता है। दोस्तों आप एक चीज सोचिए, इंसानों के अलावा इस धरती पर रहने वाली लाखों प्रजातियां हैं। क्या आपने इंसानों के अलावा कोई ऐसी प्रजाति देखी जहां डॉक्टर्स हों, या ऐसी प्रजाति जिन्होंने हॉस्पिटल्स बना के रखे हों? ये हम इंसानों ने ही क्यों इतने डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, इतना सब कुछ बना दिया? क्यों इतने मेडिकल स्टोर्स खुल गए? क्योंकि दोस्तों ये सब कुछ एक बिजनेस है, तब तक चलेगा जब तक हम अपना खान पान नहीं सुधारेंगे। आजकल की बढ़ती हुई बीमारियों का कारण हम खुद ही हैं। अगर हम अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधार लेते हैं तो हमें कभी बीमारी होगी ही नहीं। दोस्तों आयुर्वेद बहुत ही छोटे आसान नियम बताता है, ऐसे नियम जिसे जिंदगी में अगर अपनाया जाए तो कभी कोई बीमारी नहीं होती। हम आपको ऐसे ही छोटे छोटे नियम बताते हैं जिन्हें अगर आप एक बार भी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप और आपका परिवार बिना बीमारियों के रह सकता है। लेकिन चॉइस आपकी है कि आपको जिंदगी किस तरह से जीनी है। आज मैं आपको एक ऐसी ही बढ़िया छोटी सी चीज बताऊंगा जो बहुत कम पैसे में आपको मार्केट में मिलेगी, मान लीजिए ऑलमोस्ट आपको फ्री में ही मिलेगी। उस चीज को अगर आप हर रोज खुद भी खाते हैं और आपका परिवार भी खाता है तो आपके परिवार से 100 बीमारियां गायब हो जाएंगी। जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, आयुर्वेद कहता है कि कम से कम 70 बीमारियों को ये चीज ठीक कर सकती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ चूने की, चूना जिसे पान में लगाकर खाया जाता है। अगर वही चूना सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान बीमारियों से बच सकता है, क्योंकि चूना सबसे बड़ा वातनाशक है, यानी कि ये वात का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आप सोचेंगे वात क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको चूने के बारे में थोड़ा बता दूं। दोस्तों चूना नेचुरल कैल्शियम है, ये वही कैल्शियम है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे दांतों को मजबूत करता है, शरीर में ताकत भरता है, मेल्स में इनफर्टिलिटी को कम करता है, दिमाग को तेज करता है। दोस्तों चूने के बहुत गुण हैं, बस चूने को खाने का सही तरीका हमें मालूम होना चाहिए। आज मैं आपको चूने को खाने का एक बढ़िया तरीका बताता हूं। अगर आप उस तरह से हर रोज चूना खाते हैं तो आपके परिवार से बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों चूने को कितना खाना चाहिए ये चीज जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चूना कैल्शियम है और अगर इसे ज्यादा लिया जाए तो ये बॉडी में नुकसान भी कर सकता है। चूना छोड़िए कोई भी औषधि हो, अगर उसे सही ढंग से ना लिया जाए तो फायदे की जगह उसका नुकसान ही होता है। तो दोस्तों चूने को खाने का जो सबसे सही तरीका है, छोटे बच्चों को आधा ग्राम और बड़े लोग 1 ग्राम चूना ले सकते हैं। एक दिन में इतनी ही क्वांटिटी आपको लेनी है। अब 1 ग्राम कितना होता है, 1 गेहूं के दाने के बराबर। आधे गेहूं के दाने के बराबर चूना छोटे बच्चे, 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना बड़े लोग। इस तरह से अगर आप हर रोज चूना खाते हैं तो आप बीमारियां खत्म कर सकते हैं। चूने को सीधा कभी नहीं खाते, चूने को या तो आप पानी में घोलकर उस पानी को पी लीजिए या चूना दही या दाल में डाल लीजिए। इस तरह से अगर आप चूने का सेवन करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया चूना वातनाशक है, अब इसका क्या मतलब है? दोस्तों हमारी बॉडी में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। तीनों दोषों के अंदर ही सारी बीमारियां आती हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, बालों का झड़ना या कोई भी प्रॉब्लम हो, ये इन्हीं 3 दोषों के बीच आती है। तो ऐसे में ही वात दोष के अंदर जो भी बीमारियां आती हैं, वो सारी बीमारियां सिर्फ चूने के जरिए ठीक हो सकती हैं। अब वात दोष का मतलब है बॉडी में वायु का बढ़ जाना, यानी गैस का बढ़ना। जब आपके पेट में ज्यादा गैस बनती है तो ये गैस हमारे शरीर में सर्कुलेट हो जाती है। शरीर में सर्कुलेट होने पर ये गैस हमारे शरीर में दर्द पैदा करती है, यानी कि अगर आपके कहीं भी बॉडी में दर्द है तो मतलब आपकी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है और ये चूना उसी वात को खत्म करता है। यानी कि चूना सबसे पहला जो काम करेगा वो है आपके जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर दर्द, बाजू का दर्द, हर तरह के दर्द को ये खत्म कर देगा, क्योंकि चूना आपकी बॉडी में वायु को बैलेंस करेगा, गैस को खत्म करेगा और आपकी बॉडी में अगर कहीं भी पेन है तो वो खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग जिनके घुटनों में काफी दर्द रहता है, एक बार प्लीज आप चूना खाकर देखिए, 2 से 3 महीने के अंदर आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। चूना सिर्फ दर्द ही खत्म नहीं करता, हमारी बॉडी में ताकत भी बढ़ता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। यानी कि अगर आपको थकान रहती है, आलसपन रहता है, अच्छी नींद लेने के बाद भी सारा दिन आपकी आंखों में सुस्ती ही रहती है, तो आप एक बार चूने का इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि ये चूना एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है। दोस्तों चूना अगर आप हर रोज खाते हैं तो इससे आपके दांतों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। आज के समय में हमारे खाने पीने की वस्तुओं में कैल्शियम है ही नहीं,
जिस कारण से दांतों का दर्द होना आजकल कॉमन सी प्रॉब्लम बन गई है। साथ ही साथ दांतों में सेंसिटिविटी रहना, यानी कि गर्म या ठंडा लगना, ये भी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। अगर आप दांतों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं तो बस चूने को खाना शुरू कर दें। ये काफी है आपके दांतों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। दोस्तों चूना हमारे दिमाग को भी तेज करता है, क्योंकि चूना नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। अगर आपकी मेमोरी शार्प नहीं है या आपको कुछ भी याद नहीं रहता, या छोटे बच्चे जो मंद बुद्धि हैं, प्लीज आप उन्हें चूना खिलाइए, क्योंकि इससे दिमाग बहुत तेज होता है। छोटे बच्चों की अगर हाइट बढ़ानी हो तो उन्हें कैल्शियम के टैबलेट्स खिलाने से 100 गुना अच्छा है आप उन्हें चूना खिलाइए। चूना खाने से बच्चों की हाइट भी बढ़ती है और उनकी बॉडी बीमारियों से भी बची रहती है। चूना हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इम्यूनिटी यानी हमारी बॉडी के अंदर का डॉक्टर, जो बीमारियों को अपने आप ही ठीक करता है। अगर आप चूना खा रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर का डॉक्टर इतना एक्टिवेट होगा कि आपको बाहर किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर एक की बॉडी में डॉक्टर है। दोस्तों इंसानों के अलावा किसी भी जीव को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि सभी की बॉडी में कुदरत ने खुद ही एक डॉक्टर बिठाया है जो अपने आप बीमारियों को खत्म करता है। लेकिन हम लोग अपनी गलत आदतों की वजह से उस डॉक्टर को डिस्टर्ब कर देते हैं, या कह लीजिए उस डॉक्टर को ही मार देते हैं जिसने हमारी बीमारियों को ठीक करना था। इसी कारण से आजकल हम लोग सिर्फ डॉक्टर के पास ही जाते हैं, इसीलिए आजकल डॉक्टर्स के पास लंबी लाइन लगी है। अगर आप चूने को हर रोज खा रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आप आजकल के इन वायरसेस से भी बच जाएंगे। दोस्तों मेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ये बहुत तेजी से दूर करता है। अगर मेल्स में स्पर्म काउंट्स की कमी हो तो आप एक बार चूना खाकर देखिए, आपका स्पर्म काउंट डबल हो जाएगा। लेडीज में भी गर्भाशय से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स को ये चूना खत्म करता है। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप मां नहीं बन सकते तो घबराइए मत, सिर्फ एक बार चूना खाकर देखिए। लगातार 3 महीने चूना खाने से गर्भाशय से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को जरूर चूना खिलाना चाहिए। पूरे 9 महीने अगर उन्हें चूना खिलाया जाए तो इससे बच्चे का दिमाग तेज होता है और बच्चा हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होता है। और प्रेग्नेंट लेडीज का सिजेरियन ऑपरेशन भी नहीं होता, उनका ऑपरेशन बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन दोस्तों चूने के केस में बस आपको एक बड़ी चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर किसी इंसान को किडनी में स्टोन्स या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो तो उनको चूने का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे उनकी गॉल ब्लैडर या किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके अलावा चूने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी ले सकता है। दोस्तों जो मैंने बीमारियां आपको गिनाई ये सिर्फ कुछ ही बीमारियां हैं, लेकिन चूना 70 से ज्यादा बीमारियों को सही करता है। दोस्तों चूने के अलावा भी मैंने आपको कई ऐसी चीजें बताई हैं जिसके जरिए आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। बस प्लीज आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको हमेशा ऐसी जानकारी मिलती रहे, क्योंकि दोस्तों हमारे घर की किचन सिर्फ एक किचन ही नहीं, आयुर्वेदिक औषधियों का खजाना है। यहाँ पर लौंग, इलायची, अजवाइन, जीरा, ये जितनी भी औषधियां हैं ये हमारी बॉडी के तकरीबन सारे रोग दूर कर सकती हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो आपके घर की किचन में मेथी दाना है, उसके जरिए आप डायबिटीज खत्म कर सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो सुबह उठते ही खाली पेट भर पेट पानी पीजिए, उससे आपका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं या फिर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो लहसुन खाली पेट खाना शुरू कीजिए, इससे आपकी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो पालक खाना शुरू कीजिए। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी छोटी छोटी रेमेडीज हैं जिनके जरिए आप अपनी बॉडी को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। पुराने जमाने में बॉडी को लोग ऐसे ही स्वस्थ रखते थे। पुराने जमाने में हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाया जाता था, क्योंकि ना ही उस समय पर इतनी डॉक्टर्स अवेलेबल थे और ना ही इतना पैसा था। इसीलिए लोग घर में ही बीमारियों का इलाज करते थे। अगर आज भी आप अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछे कि हमें ये प्रॉब्लम है इसके लिए इलाज बताइए, तो आपको वो घर में ही कोई इलाज बता देंगे। जैसे कि अगर आपकी स्किन पर पिंपल्स हैं तो आपके दादा दादी आपको कहेंगे कि आप हल्दी वाला दूध पीजिए और हल्दी को आप अपने स्किन पर लगाइए। रंग गोरा करना है तो हल्दी लगाओ, ना कि मार्केट की क्रीम्स, क्योंकि दोस्तों पुराने जमाने में लोग आयुर्वेद को फॉलो करते थे। लेकिन आजकल हम लोगों को हर चीज आसान चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, हर चीज हमारे हाथों में है। इसीलिए हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी कुछ मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका शरीर बीमारियों से घिरता ही जाएगा। अगर आप आजकल की मेडिकल साइंस से बीमारियों का इलाज करेंगे तो उससे बीमारी का इलाज जड़ से नहीं होगा, आपकी बीमारी द्वारा फिर बड़े रूप में सामने आएगी। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और चूना किस तरह से हमें बीमारियों से बचा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि किसी से शेयर करेंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति का फायदा हो सकता है।
वीडियो को शेयर करना आसान होता है और फ्री भी होता है। वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल के साथ जल्दी से जुड़ जाएं ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसे ही वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।